अपसाइड, क्योंकि ऊपर जाके भी हमें पता करना है कि ऊपर क्या क्या चीजें हैं। यू गॉट टू बी वेरी कंसर्न अबाउट योर कैमरा। शिट मैन, बाल बाल बचा नहीं तभी। हाय, माय नेम इज तंशू अनाकाश एंड आई एम द स्ट्रीट ट्रैवलर। वी हैव कम टू जयपुर। कम, दिस इज द ताजमहल। मे, दिस इज द पैलेस। कोलबाग मार्केट, नौलखा मंदिर, त्रिकुटी पहाड़, टू जोधपुर। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर व्हाट डू वी हैव इन दिस सिटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग जा रहे हैं त्रिकुट पहाड़। त्रिकुट पहाड़ देवघर मेन सिटी से तकरीबन 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर स्थित है, जो अगर देवघर में घूमने के लिए आते हैं आप तो घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। तो गाइस, जब आप आएंगे यू विल सी टू वेज हियर। यहाँ पे ये एक रास्ता है विच गोज टू भागलपुर हल्दिया, एंड दिस इज द अदर वन विच गोज टू त्रिकुट पहाड़। तो हम लोग त्रिकुट पहाड़ जा रहे हैं आज, तो विल हेड टू दैट डायरेक्शन, नॉट दिस वन, उसमें हम लोग जाने वाले हैं। जैसे ही आप पहाड़ के पास पहुंचेंगे तो आपको ये सुंदर सुंदर नज़ारे दूर से ही दिखना शुरू होंगे, जहाँ पे पहाड़ की चोटी आपको दूर से नज़र आएगी। और कई बार अगर मौसम अच्छा रहा तो आपको बादल भी दिखेंगे, और कई बार धूप रही तो आपको चमकता हुआ पहाड़ भी दिखेगा। त्रिकुट पहाड़ का नाम त्रिकुट इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवों के, त्रिदेव के मस्तक या मुकुट दिखते हैं, और इसी चीज़ के ऊपर इस पहाड़ का नाम त्रिकुट पहाड़ रखा गया है। जब तक आप पहाड़ के पास पहुंचेंगे तब तक आपको रास्ते में ये खूबसूरत नज़ारे भी दिखाई देंगे, और यहाँ पे आपको गणेश जी का मस्तक नज़र आता है पहाड़ के बीचों बीच। और फिर यहाँ पे पहुंच जाते हैं त्रिकुट पहाड़ के प्रवेश गेट पे। यहीं पे बगल में हनुमान जी का मंदिर है, जो एज अ लैंडमार्क आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ही आप वहाँ से अंदर आएंगे तो मेन पहाड़ मेन गेट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे रास्ते में आपको कुछ गांव नज़र आएंगे, और नज़र आएंगे ये छोटे छोटे बंदर जो सड़क पे कई बार खेल कूद रहे होते हैं। अभी पैंडमिक की वजह से फ़िलहाल यहाँ पे सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, बट यहाँ पे लगभग हर तरह के खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हैं। बट बहरहाल यहाँ पे अभी जब मैं घूमने आया हूँ तो मुझे सिर्फ यही कुछ बंदर दिखे हैं, जो लगभग हर जगह हैं और अपने अपने डेली लाइफ की चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। ये वो रास्ता है जो रोपवे की ओर जाता है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो जाके वो देख सकते हैं, लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है। और चलिए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ पे रोपवे के अलावा देखने के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे दो ही लोग फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं मेरे अलावा, और यूजुअली यहाँ पे ये केस रहता नहीं है। जब भी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह होते हैं उस टाइम पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, बट फिलहाल अभी ये बिल्कुल खाली है। बड़ी खूबसूरत जगह, अभी टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बेहतर है। तो फिर चलिए चलते हैं मंदिर की ओर और देखते हैं कि यहाँ पे मंदिर में हमारे पास देखने लायक क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो ये है हमारा मंदिर परिसर, जहाँ पे जूते के साथ अंदर आना अलाउड नहीं है, और साफ साफ लिखा हुआ है
के बंदरों से सावधान रहें। भाई जैसे आप मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा श्री गणेश जी का मंदिर। यूजुअली हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी आप किसी भी मंदिर में आएंगे तो आपको सबसे पहले श्री गणेश जी का ही मंदिर दिखेगा और उसके बाद ही बाकी किसी भी देवी देवता की पूजा की जाती है। और बाबा भोलेनाथ शिव जी ने ये आशीर्वाद भी दिया था श्री गणेश को कि जब भी कोई भी पूजा होगी तो सबसे पहले लोग आपकी पूजा करेंगे, सबसे पहले लोग आपको स्मरण करेंगे। इसीलिए हर मंदिर में जहाँ पे भी आप जाएंगे सबसे पहले आपको श्री गणेश का ही मंदिर दिखेगा। उसके अलावा जो दूसरा मंदिर आपको यहाँ पे दिखता है ये है माँ पार्वती का मंदिर। और जैसे आप यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको दिखेगा माँ वैष्णवी काली का मंदिर। तो चलिए ऊपर चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अलग अलग देवी देवताओं की शिलाएं यहाँ पे दिखेंगी। एंड गाइस दिस इज़ फन, यहाँ पे बहुत अच्छा झरना है, इस झरने का पानी आप पी भी सकते हैं। इसके अलावा ये ऊपर माउंटेन से आता है तो यहाँ का पानी काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। कई सारे लोग यहाँ पे शाम के टाइम पे स्पेशली आते हैं जो सिर्फ यहाँ पे पानी पीने आते हैं और कई बार यहाँ पे मंदिर में बैठते हैं। एज़ यूजुअली जहाँ पे भी शंकर भगवान का मंदिर होता है वहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर होता ही है, वहाँ पे पार्वती माँ का मंदिर होता ही है। एंड दिस इज़ वाई यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास दुर्गा माँ का मंदिर है और इस मंदिर के ठीक अपोजिट साइड सामने की ओर यहाँ पे पार्वती माँ का मंदिर है और ये है हमारा शंकर भगवान का मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे पंडित जी हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है यहाँ पे फ़िलहाल मंदिर नहीं खुल सकता है तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे मंदिर बंद है। ये हमारा प्राचीन शिवलिंग। हम संजय पंडा है, ये त्रिकूट पहाड़ है पर्यटक स्थल, यानी लॉकडाउन होने के कारण यहाँ का परिस्थिति जो है तो थोड़ा देर के लिए बहुत बेहद ख़राब है, यानी पर्यटक के ही भरोसे ही पूरे लगभग 100 की दुकान या मंदिर वगैरह सब बांदर हनुमान सब यातायात लोग होता था तो जीविका सब कुछ चलता था। अभी एक लॉकडाउन हो गया है तो एकदम ब्रेक हो गया है, खाना पीना बंदर को भी कुछ नहीं मिल रहा है। हम पूजा पाठ के ताला उला भी बंद है, हम लोग कर देते हैं, किसी को पूजा करने भी नहीं देते हैं, क्या है कि सबका आदेश है एक आदमी को अगर हो जाएगा तो अनेक आदमी सरकार और हम लोग सब व्यवस्था परेशान हो जाएंगे। और चलिए चलते हैं यहाँ से ऊपर, देखते हैं कि ऊपर पर्वत पे कौन सी कुटिया स्थित है। सो गाइज एज यू कैन सी काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप आके आराम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दिस मंकीज दे कैन फ्रीक यू आउट एंड काफ़ी संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो दे कैन स्टील योर थिंग्स, कई बार ये चीज़ें छीनते रहते हैं तो बच के रहिएगा, नहीं तो आपकी बिलोंगिंग को ये छोटे छोटे एनिमल्स छीन सकते हैं। तो एक छोटी सी हाइक के बाद मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और थोड़ा सा आराम कर रहा था कि इतनी देर में ही मेरी सावधानी हटी और एक छोटी सी दुर्घटना घटी। लेट्स गो टू अपसाइड, क्योंकि ऊपर जाके भी हमें पता करना है कि ऊपर क्या क्या। यू गॉट टू बी वेरी कंसर्न अबाउट योर कैमरा, शिट मैन, बाल बाल बचा नहीं तभी ये दोनों बंदर मेरा कैमरा लेके भाग जाते। तो अब से कोई मज़े नहीं लूँगा, अपना कैमरा मैं नहीं रखने वाला टू फिल्म ऑल दोज बी रोल्स, नहीं तो पता चला कैमरा हो गई नहीं आपको फुटेज दिखाने के लिए और ये बंदर मेरा कैमरा लेके भाग जाएंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, काफ़ी सारे हनुमान यहाँ पे इनके अलावा भी हैं जो जीवित हैं, घूम फिर रहे हैं और कई बार लोगों को तंग भी करते हैं। Yeah.
गाइस दिस इज़ बाबा का आश्रम जहाँ पे काफ़ी शांति है, और अब मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे बाबा आखिर मेडिटेट करने के लिए क्यों आए थे और क्यों बैठे थे। दिस इज़ सो पीसफुल आउट हियर। स्वामी संपदानंद का समाधि स्थल जहाँ पे उन्होंने समाधि ली थी, अंदर ये स्वामी जी का मूर्ति बनाया गया है, सो दैट वो लोग जो यहाँ पे आके स्वामी जी के दर्शन करना चाहें वो यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे बाकी के बाबा जी लोग होते हैं, एज आई कैन सी अंदर कोई है भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है और यहाँ पे साइलेंस भी चाहिए, तो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड। और यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ नीचे की ओर वापस। सो गाइज दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर स्टफ कमिंग सून। ऑलरेडी त्रिकुट पहाड़ पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, वो रोपवे के साथ है। बट अभी क्योंकि मैं झारखंड के ऊपर बिल्कुल नया ब्रांड न्यू सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे मैं पूरे झारखंड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और ट्रैवल वीडियोज़ बना रहा हूँ, सो आई थॉट कि सबसे पहले शुरू करने के लिए महादेव से अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। दिस इज़ वाई आई केम तो त्रिकुट पहाड़, और त्रिकुट पहाड़ से ही मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करी है। तो आगे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं इसी वीडियो की तरह या इससे भी बेहतर। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर आप इससे बेहतर देखना चाहें और पूरे झारखंड को मेरे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें जहाँ पर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिएगा हम हैं रही राह के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय। आई फील लाइक कि यहाँ पे मैं ही इकलौता इंसान हूँ पूरे इस पहाड़ पे जो घूमने के लिए आया है। इसके अलावा बाकी के सब लोग अपने घरों पे आराम कर रहे हैं।